इतनी पचकोसी पर इमाम आ गए और इधर भी तोड़ फोड़ चल रहा है। देखिए यार पूरे घरों को जो है यहाँ पे तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा है। नीचे की तरफ से जो है तोड़ फोड़ किया जा रहा है। देखिए अगर ऊपर से आते हैं तो आप सीधा राम की पैड़ी पे जा सकते हैं, इधर से हम नीचे से चलते हैं देखते हैं। लोग अपने घरों को जो है तोड़ रहे हैं बकायदा, कुछ निर्माण कार्य भी होते पुराने उनको भी तोड़ा जा रहा है। इधर देखिए इधर भी तोड़ा जा रहा है। जब जहाँ पे दोनों तरफ घरें पड़ जाती हैं वहाँ पे तोड़ना बहुत जरूरी होता है। ये टेंट सिटी का जो है, ये देखिए यहाँ पे टेंट सिटी है ये, और यहाँ पे अगर आप रहना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। हालांकि कुछ कास्टली ज़रूर है यहाँ का जो है, जितना भी रूम वगैरह है यहाँ पे ये बहुत ही कास्टली होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दी जाती है। जैसे हम दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पूरा अपडेट देने वाला हूँ, जो कि सरजू नदी के जस्ट बगल से ही जाता है और पूरा अपडेट दूंगा इसका। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको, ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला पुल है, आगे बनाया गया है मेन जो है, और ये उदया चौराहा है। उदया चौराहा से हम इधर की तरफ जाते हैं, अभी हम इधर से चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको, पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए यार एक ये रास्ता गया है, एक ये रास्ता गया है। इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमको दिखने वाला है ये वाले रास्ते पे जो है, ये देखिए लगाया गया है यहाँ पे। हम ये अयोध्या की तरफ जो हम जाकर सकते हैं और इधर सीधे गुप्तार घाट की तरफ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग इधर की तरफ हम चलते हैं। अभी इधर से हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको, पूरा अपडेट देते हैं क्या क्या किन किन चीज़ों का निर्माण हो चुका है यहाँ पे। अभी देखिए ये पूरा जो है इधर जल का भराव हो जाता है दोस्तों, जब अगर अयोध्या में जो है बाढ़ आती है पूरा पानी भर जाता है जो नदियों में, और इधर भी पूरा जो है पानी से जो है पूरा भर जाता है। और इधर की तरफ ही जो है अपडेट मैं देने वाला हूँ, इधर की तरफ चौड़ा करना था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो है मेरे ख्याल से अभी इधर चौड़ीकरण का काम बंद कर दिया गया है और इधर की तरफ दिया गया है, इधर की तरफ लिया गया है। आपको दिखाता हूँ कार्य कैसे हो रहा है यहाँ पे, और आइए थोड़ा सा अपडेट देता हूँ आपको। इधर की तरफ तोड़ फोड़ बंद कर दिया जाएगा, इधर की तरफ जो है क्योंकि इधर ज़मीनें हैं तो इसीलिए इधर की तरफ जो है बढ़ाया गया है रोडों को। ये कुछ राहत दी गई है उधर के लोगों को, और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बस जो है खुदाई हो रही है पीछे की तरफ, और वहीं पे जो है पूरा कार्य होना है। ये देखिए शीवर का काम भी हो रहा है यहाँ पे जो है, डेप्थ का काम किया जा रहा है ये अंदर अंदर, और यहाँ से लेकर पूरा इधर की तरफ जो है पूरा निर्माण होना है सड़क का रोडों का। यहाँ पे देखिए कंक्रीट वगैरह पत्थर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं और उधर सीमेंट रखी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आइए दिखाता हूँ आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और क्या अपडेट है यहाँ के वो भी देता हूँ। ये देखिए अगर जैसे कि यहाँ पे अयोध्या में अगर पानी ज़्यादा हो जाता था नदी में तो ये सब जो है पूरा डूब जाते थे, यहाँ पानी पानी हो जाता था क्योंकि ये निचला क्षेत्र है यहाँ का और यहाँ पे हमेशा पानी भर जाते थे। लेकिन यहाँ का जो है देखिए इधर का रोड का निर्माण हो चुका है और उधर उतनी चौड़े में ये पूरा रोड बनेगा, और इधर से 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा इधर से ही निकल जाया जाता है, इधर से ही जाता है। ये पूरा देख लीजिए आप, अभी जो घरें इधर हैं इनको जो है तोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ है और इधर की तरफ छोड़ के इस तरफ और इस तरफ जो है चौड़ा कर दिया गया। देखिए यहाँ से अभी काम नहीं हुआ है और जो है इसको भी पेड़ वेड़ जो है इधर की तरफ नहीं है, और इधर की तरफ इस तरफ देखिए निर्माण कार्य हो रहे हैं और इधर बैठे हैं, और इधर देख सकते हैं आप पूरा जो है नाला है। हाँ इधर से देखिए आप, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया ये चीज़, कार्य जो है आगे स्टार्ट हो चुका है, कुछ जगहों पर छोड़ के कुछ जगह स्टार्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जो भी कॉलोनी वगैरह अगर दोनों तरफ बनी होती हैं तो वहाँ पे लिया जरूर जाएगा दोनों तरफ। देखिए यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे जो है शीवर का काम हो रहा है, यहाँ पे नालों का काम होगा, ये देखो खुदाई हो रही है।
और हाँ ये इधर तो जाएंगे भाई, इधर टूटा गया है, इधर तोड़ा नहीं गया, इधर इधर तोड़ा गया है। देख लीजिए लोग अपने घरों को जो है तोड़ रहे हैं बकायदा, कुछ निर्माण कार्य भी होते पुराने उनको भी तोड़ा जा रहा है। इधर देखिए इधर भी तोड़ा जा रहा है। जब जहाँ पे दोनों तरफ घरें पड़ जाती हैं वहाँ पे तोड़ना बहुत जरूरी होता है। ये उन्होंने अपना अपना जो है ये यहाँ पे प्लान करा हुआ है तोड़ने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ेगा। ये पता होगा इधर जो है काफ़ी चौड़ा है, इधर जो है पीछे रखी है। दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे जो है कूड़े वगैरह जो रखे हुए थे इनको भी रिसाइकिल किया जा रहा है। इसे पन्नियों को निकाल के जो है उनको जो है काटा जा रहा है, उनको जो है तोड़ फोड़ के जो है मिट्टी टाइप का बना दिया जाएगा एकदम। ये देखिए ये यहाँ पे भी वर्क हुआ है। और इस तरफ देखिए आप ये ऊँचाई पर जितने भी घर हैं इनका निर्माण बाद में फिर से हुआ है, जैसे तोड़ फोड़ के जो है जितने भी चौड़ीकरण का काम था यहाँ पे चौड़ा करके रोडों को, उसके बाद में यहाँ पे बनाया जा रहा है घरों को। देखिए आप ये लगाया गया मशीन है भाई, ये देखिए यहाँ पे डेप्थ का काम हुआ है। देख लीजिए आप इधर, देखिए इधर तो इधर जो है इधर भी देखिए तोड़ फोड़ हो रहा है, कुछ तोड़ा जा रहा है इधर। और इधर डेप्थ का काम देख सकते हैं आप इस तरफ, ये यहाँ से जो है ये चूना पड़ा हुआ इधर ही डेप्थ का काम देखिए यहाँ पे। देखिए ये टेंट सिटी अयोध्या, ये देखिए यहाँ पे टेंट सिटी है ये। और यहाँ पे अगर आप रहना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे भी आके रह सकते हैं, हालांकि कुछ कास्टली ज़रूर है यहाँ का जो है, जितना भी रूम वगैरह है यहाँ पे ये बहुत ही कास्टली होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दी जाती है। ब्रह्मकुंड, ये ब्रह्मकुंड का गुरुद्वारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कैंट एरिया दोस्तों इधर भी है थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ पे डेप्थ पूरी तरीके से ये बना हुआ है। और इस साइड में जो है अभी खुदाई चल रही है, ऐसे ऐसे यहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए झोपड़ पट्टी जो नहीं है इनको भी हटाया जाएगा, और जैसे बहुत घरों को जो एकदम उखड़ पुखड़ गया है, सभी घरों को जो है नहीं लेकिन कुछ घर जो बीच में आते थे उनको एकदम उखाड़ दिया गया है। अभी हम पहुंचने वाले हैं गोला घाट के पास, और यहीं पे राजघाट का जो है आपको पार्क दिख जाएगा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है। यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दिया गया, सेल्फी फोन जाना है इधर जा सकते हैं, गोला घाट के लिए सीधे जाएंगे, सीधे हम चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा। इधर से जो है जाएंगे आप तो गोला घाट जो है चले जाएंगे जैसे कि तुलसी उद्यान के पास है। अभी ये देखिए ये सब टूटा है, अभी ये तोड़ा नहीं गया है, इनको भी तोड़ा जाएगा। अभी देखिए हम पहुंच चुके हैं राजघाट जो है पहुंच चुके हैं, और ये राजघाट का जो है मेन पार्क है जहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेचू आपको देखने को मिलेगी बुद्ध भगवान की। देखिए झुनकी घाट के लिए सीधे जाएंगे हम, और राजघाट के लिए पचकोसी प्रतिमा मार्ग है, और इधर भी तोड़ फोड़ चल रहा है। देखिए यार पूरे घरों को जो है यहाँ पे तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ से जो है तोड़ फोड़ किया जा रहा है। देखिए अगर नीचे ऊपर सभी तरफ जो है ये पूरा तोड़ फोड़, देखिए सभी घरों को जो है तोड़ा फोड़ा जा रहा है। चौड़ीकरण का काम इधर से जो है पाँच कोसी परिक्रमा मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ये यहीं पे जो है रूट को मिलाया गया है, इधर से ही जाएगा रास्ता में चला राम की पैड़ी 1 किलोमीटर यहाँ से दिखा है। इधर से जो है ये देखिए इनको भी तोड़ा जा रहा है,
जो बीच में आ रहा है उनको तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया जा रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये जो किला टाइप का मंदिर टाइप का बना है तो आ जाएगा। चलो 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 चलो, ये देखिए झुनकी घाट के लिए इधर से और जो है पुष्पकी परिक्रमा मार्ग के लिए इधर से जाया जाता है। और ये मेन जो है हम आ चुके हैं, उस तरफ आप देखेंगे तो सरजू रिवर है और इस तरफ जो है ये मंदिर झुनकी घाट वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा आप। अब यहाँ इसको दोनों को मिला दिया जाएगा, ये है झुनकी घाट। देखिए झुनकी घाट मंदिर है ऊपर और ये देखिए यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है। अगर ऊपर से आते हैं तो आप सीधा राम की पैड़ी पे जा सकते हैं, इधर से हम नीचे से चलते हैं देखते हैं। पूरा टॉयलेट बनाया गया है डिपो को, ये अब इधर का तो नहीं पता है कैसे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, समझ में नहीं आ रहा इधर कैसे बनाया जाएगा। ये है अयोध्या की गलियां, देख सकते हैं ये है अयोध्या की गलियां। मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, सतगुरु सदर गोलाघाट है ये। और इधर से ही आप जो है मेन मंदिरों पे जा सकते हैं, इधर से भी इधर से आइए देखिए। ये जो है अयोध्या की गलियां हैं और किसी दिन यहाँ का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे हम कि अयोध्या की गलियों में कैसे कहाँ जा सकते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर गली कूचे में आपको मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी गलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, मॉडिफिकेशन। ये बैठे हुए हैं महाशय। दोस्तों इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।